Hello friends and welcome back to our YouTube channel Civil Engineering and Learning Technology. Friend, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड टेस्ट ऑफ बिटुमिनस इमल्शन. एस्फाल्ट पेमेंट को लेइंग करने के पहले जो आप बेस बनाते हैं जैसे WMM, WBM, CRM, तो उस बेस के ऊपर आप प्राइम कोट का स्प्रे करते हैं फ्रेंड. तो प्राइम कोट या टैक कोट या जो भी बिटुमिनस इमल्शन का आप स्प्रे कर रहे हैं, उस स्प्रे को करने के लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन एज पर स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए जो स्प्रे रेट का टेस्ट होता है वो स्प्रे रेट का टेस्ट आप कैसे करेंगे, उससे कैलकुलेशन कैसे करेंगे फ्रेंड. तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं या डाउट्स हैं वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड. तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं. चलिए फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड. ये जो दो इमेज आप मेरी डिस्प्ले पर देख रहे हैं, पहली इमेज में मैंने ये वाली जो इमेज है फ्रेंड, इस इमेज में मैंने बिटुमिनस का जो या टैक कोट या प्राइम कोट या स्प्रे है वो स्प्रे किस प्रकार से होता है वो दिखाया है फ्रेंड. और दूसरी इमेज है फ्रेंड जो आप टेस्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है, ये टेस्ट किस प्रकार से करना है, कैसे आपको ट्रे रखनी है, ट्रे में किस प्रकार से इमल्शन कलेक्शन करना है वो दिखाया है. ओके, तो इसको लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना है चलिए वो भी हम समझ लेते हैं और फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं. ओके फ्रेंड, तो प्रिपरेशन फॉर प्राइम कोट या बिटुमिनस इमल्शन करने के पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए या क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए. सबसे नंबर वन पे आता है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर शुड बी मोर देन 16 डिग्री सेंटीग्रेड. जब आपका एम्बियंट टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तभी आपको प्राइम कोट या एस्फाल्ट वर्क करना चाहिए फ्रेंड. इससे नीचे अगर टेम्परेचर है तो आपको बिटुमिनस वर्क या टैक कोट प्राइम कोट का वर्क नहीं करना चाहिए. नंबर टू है वेज फॉर एस्फाल्ट पेवमेंट शुड बी ड्राई. जिस लेयर पर या जिस भी क्रस्ट पर आप एस्फाल्ट पेवमेंट का लेइंग करना है वो क्रस्ट या वो लेयर आपकी ड्राई होनी चाहिए. जैसे WMM या WBM आपने जो भी वर्क किया है वो आपका अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, फिर इसके ऊपर ही आपको प्राइम कोट का वर्क अलाउ करना चाहिए. पॉइंट नंबर थ्री, इफ़ वेदर इज फॉगी रेनी और डस्टी नो वर्क शुड बी डन. अगर आपका वेदर में धुंध हो रही है, रेन्स हो रही है या डस्ट हो रही है तो आपको बिटुमिनस वर्क या प्राइम कोट टैक कोट का वर्क नहीं करना चाहिए. पॉइंट नंबर चार, बेस शुड बी कॉम्पैक्टेड एंड क्लीन फ्रॉम डस्ट. जिस भी बेस पर आप एस्फाल्ट पेमेंट या टैक कोट प्राइम कोट का वर्क कर रहे हैं वो आपका बेस अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट होना चाहिए और डस्ट से क्लीन होना चाहिए. इसके पीछे क्या होता है फ्रेंड, जो आपका प्राइम कोट होता है वो प्राइम कोट का काम ही होता है जो आपकी एग्रीगेट होती है, बेस की एग्रीगेट होती है, उस एग्रीगेट को बाउंड करके रखता है. और अगर इस पर आपकी डस्ट रह जाएगी तो आपका जो प्राइम कोट का इमल्शन है फ्रेंड वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है. पॉइंट नंबर फाइव, टेम्परेचर ऑफ बिटुमिन इमल्शन एट टाइम ऑफ स्प्रेइंग शुड बी बिटवीन 29 डिग्री सेंटीग्रेड टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड. जब आप बिटुमिनस इमल्शन टैक कोट प्राइम कोट का स्प्रे कर रहे होंगे तब इसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 63 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए. पॉइंट नंबर सिक्स, बिटुमिन इमल्शन शुड बी स्प्रे एट स्पेसिफिक रेट ऑफ एप्लीकेशन. जनरली नो ट्रैफिक सेल बी अलाउड, इफ नीडेड ट्रैफिक स्पीड सेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 16 किलोमीटर पर आवर. देखो बिटुमिन इमल्शन जैसे प्राइम कोट या टैक कोट का जो स्प्रे होता है फ्रेंड, तो स्प्रे करने की जो रेट होती है या एप्लीकेशन की जो रेट होती है वो आपकी 0.7 से लेके 1.0 केजी पर स्क्वायर मीटर तक होती है, जो आपकी अलग अलग स्टैंडर्ड या अलग अलग रोड और पेवमेंट के हिसाब से आपकी डिफरेंट हो सकती है. कहीं पे 0.85 लेते हैं, कहीं पे 0.9 लेते हैं, तो वो अलग अलग लेयर के हिसाब से आपको अलग अलग रेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ होता है फ्रेंड. GSP के लिए अलग होता है, WMM के लिए अलग होता है, रिजिड पेमेंट के लिए अलग होता है, ठीक है. तो ये जो रेट ऑफ एप्लीकेशन वो आपकी चेंज हो सकती है, जो कि 0.7 से लेके 1.0 केजी पर स्क्वायर मीटर तक होती है फ्रेंड. जो आपका प्राइम कोट
का जो क्योरिंग पीरियड होता है या उसको सेट होने के लिए जो टाइम आपको देना होता है फ्रेंड, वो 24 घंटे का टाइम आपको देना पड़ता है। क्योंकि ये क्या होता है, जो आपकी प्राइम कोट होती है फ्रेंड, वो आपकी एग्रीगेट जो भी बेस है आपका उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। तो पेनिट्रेट होने के बाद इसको सेट होने के लिए फ्रेंड आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं। लेकिन फ्रेंड 24 घंटे तक आपको इस पर क्या होता है, ट्रैफिक भी अलाउ नहीं करना होता। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि इस पर आपको ट्रैफिक रन कराने की आवश्यकता होती है। तो बेसिक कंडीशन में जो ट्रैफिक की स्पीड है फ्रेंड, वो आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड आपको अलाउ नहीं करनी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो अब हम आते हैं, जब आप रेट ऑफ एप्लीकेशन का टेस्ट कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं प्राइम कोट या टेक कोट का, तब आपको क्या क्या टेस्ट करने हैं, कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आपको उसका टेम्परेचर टेस्ट करना है, जो कि आपका 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 63 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होना चाहिए, जिसके लिए हमें टेम्परेचर मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। और रेट ऑफ एप्लीकेशन टेस्ट के लिए फ्रेंड हमें चाहिए होगी 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गहराई वाली मेटल ट्रे चाहिए 5, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए जिसकी कैपेसिटी 0.1 ग्राम की एक्यूरेसी वाला हमें एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा। इसके बाद हम फ्रेंड डाटा शीट कैसे तैयार करेंगे, तो डाटा शीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन इस प्रकार से हमें डाटा शीट तैयार करनी होगी, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हमारा एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस प्राइम कोट टेक कोट, फिर नीचे सारी डिटेल, आप रोड की डिटेल, लोकेशन या टेस्ट का जो भी डिटेल है वो लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर ए है काइंड ऑफ बिटुमिनस मटेरियल, किस प्रकार का बिटुमिनस मटेरियल है आपका, स्लो सेटिंग है, रैपिड सेटिंग है या आपका कटबैक बिटुमिन है, तो वो आप काइंड ऑफ बिटुमिनस मटेरियल लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन टेम्परेचर ऑफ प्राइम कोट टैग कोट में टेम्परेचर जो भी है वो लिख दीजिएगा। ऑब्जर्व टेम्परेचर ऑफ प्राइम कोट टैग कोट, जो आपने चेक किया है वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा इसमें। देखो एप्लीकेशन टेम्परेचर से मतलब जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका वो टेम्परेचर हो जाएगा, ऑब्जर्व टेम्परेचर जब आप उसमें वर्क में जो कलेक्शन कर रखा है वो टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। यूनिट वेट ऑफ प्राइम कोट टेक कोट, जो उसकी डेंसिटी है वो इसमें आ जाएगी। करेक्शन फैक्टर ऑफ ऑब्जर्व टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए करेक्शन फैक्टर क्या है वो आ जाएगा। स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपका स्प्रेयर है उसकी स्पीड क्या है वो इसमें आ जाएगी। या हाइट ऑफ स्प्रे बार, कितनी हाइट से आप उसका स्प्रे कर रहे हैं वो भी आपको इसमें नोट कर लेना फ्रेंड। तो इस प्रकार से डाटा शीट जो तैयार करेंगे फ्रेंड, उसे कैलकुलेशन कैसे करना वो हम आगे समझ लेते हैं। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, मैंने हमारे ब्लॉग पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए अब हम इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड, कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले चाहिए होगा वेट ऑफ एम्प्टी ट्रे, खाली ट्रे का वेट हम नोट कर लेंगे, जो है हमारा 240 kg 240 ग्राम्स, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर टू, वेट ऑफ ट्रे प्लस इमल्सन, जब इसमें आप इमल्सन का स्प्रे कर लेंगे तो जो कलेक्शन होगा स्प्रे इमल्सन का, वो इमल्सन और ट्रे का वेट नोट कर लीजिए, तो वो आया हमारा 276.4 ग्राम। फिर हमें चाहिए वेट ऑफ इमल्सन, तो आप जो इमल्सन और ट्रे का वेट है उसमें से खाली ट्रे का वेट घटा देंगे तो हमारा वेट ऑफ इमल्सन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36.40 ग्राम। फिर है हमारा पॉइंट नंबर फोर, एरिया ऑफ ट्रे, देखो जो ट्रे का साइज वो है हमारा 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की ट्रे है हमारी, तो इसका एरिया हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर या 0.04 स्क्वायर मीटर। अब रेट ऑफ स्प्रे कैसे निकलेगी फ्रेंड, रेट ऑफ स्प्रे निकलेगी फ्रेंड वेट अपॉन एरिया, देखो वेट हो रहा है हमारा 36.40 ग्राम और एरिया हो रहा है हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा जो रेट ऑफ स्प्रे आ जाएगा वो हो जाएगा 0.091 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या जब आप इसको केजी पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.91 kg पर स्क्वायर मीटर। और जो स्पेसिफिक लिमिट है फ्रेंड इसके लिए वो है हमारी, जैसे मैंने रूरल रोड के लिए लिया है, तो इस रूरल रोड के लिए हमारी 0.0, रूरल रोड में जो WMM बेस है, WBM बेस है, उस पर हमारी स्प्रे रेट की जो लिमिट है वो है हमारी 0.85 kg पर स्क्वायर मीटर या 0.085 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में जो भी जानकारी आपने पढ़ी है या देखी है सीखी है, वो सारी जानकारी अब आप हमारे
ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं, जिस ब्लॉग की वेबसाइट मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आप गूगल पर जाके www.civilblogon.blogspot.com पर जाकर भी ये सारी जानकारी स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड, और वहाँ से ये आर्टिकल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कर देना, और आप कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में।